तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे होने जा रहा है गाड़ी अनकवर। ये तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज 15 अगस्त के बाद आज बाइक निकाल रहा हूँ, मतलब 5 दिन 6 दिन बाद बाइक वॉश करवाना होगा। कहीं राइड पर राइड किए जा रहा हूँ पर बाइक वॉश नहीं करवा रहा हूँ या ना घर पर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड बात कुछ ऐसा है, मैंने अपने हेलमेट और माइक का प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने प्लेसमेंट चेंज किया है, तो अभी मेरे को चेक करना है आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। थोड़ा सा बाइक भगा कर देखते तब समझ में आएगा। तो देखते हैं भगा करके, और वीडियो की स्टोरी में आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और आज के वीडियो का क्या प्लान है। मेरे ख्याल से आवाज़ अच्छा रिकॉर्ड होता होगा। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, मेरे को इधर ही जाना है। तो पहुंच गए हैं शाइन कार वॉश, तो यहीं पे आना था। कैसे रोहित भैया, स्टार्ट है? ठीक है भैया। बात कुछ ऐसा है कि हमारे रोहित भैया ले रहे हैं नई कार, और ये उनकी पुरानी कार मतलब एक महीना पहले जो थी क्रेटा, और क्रेटा वॉश हो रही थी। तो मेरे को फ़ोन किए कि इमरान मैं नया कार ले रहा हूँ तो तुमको आना ही पड़ेगा। कल रात में ही फ़ोन किए थे मेरे को, तो मैं बोला भैया हाँ ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पे कार वॉश हो रही थी इनकी, मतलब नई कार लेने जा रहे हैं तो पुरानी कार को भी याद रखना ज़रूरी है, इसको भी अच्छे से वॉश करवा लिए हैं। कार तो पूरी चमक चुकी है, एकदम मस्त बढ़िया साफ सुथरा हो गया, इंटीरियर भी मस्त हो गया है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक महीने पहले जब इस कार की डिलीवरी हुई थी तो मैं वीडियो बनाया था, आज नई कार की डिलीवरी होने वाली थी, इसका भी वीडियो आने वाला है। और धूप भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यहाँ। तो कार में बैठेंगे तो ठीक लगेगा, अंदर बैठे तो अंदर AC चल रहा था तो ठीक लग रहा था। तो चलते हैं यहाँ से। तो रोहित भैया साथ में, रोहित भैया चला रहे कार, देख सकते हैं इधर। और इधर हम रोहित भैया का बॉडीगार्ड चंदन भैया बैठे हुए हैं फ्रंट में, और मैं तो अपने हेलमेट इधर ले लिया हूँ क्योंकि बाइक मैंने जहाँ कार वॉश हुई थी वहाँ पे अपने बाइक मैंने खड़ा कर दिया था। तो हेलमेट थोड़ा एक्सपेंसिव है तो रखना पड़ता है। मतलब रोहित भैया कौन सी कार होने वाली है? रेनॉल्ट की कार है, मतलब ये बताना नहीं है ना? नहीं। तो सरप्राइज है। तो फ्रेंड अचानक रिवील होगी कौन सी कार है, मेरे को भी नहीं बताया, खाली इतना बताया कि रेनॉल्ट की कार होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन सी कार होती है, डायरेक्ट शोरूम पे पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स फाइनली आ चुके हैं शोरूम में, देख सकते हैं भैया लोग तो अभी बाहर हैं, तो फ्रेंड लोग सब चिल कर रहे हैं। तो फ्रेंड न्यू कार जो डिलीवरी होती है यहाँ पे होगी, देख सकते हैं न्यू कार डिलीवरी, तो यहाँ पर डिलीवर होगी कार। तो अच्छा है एरिया, मस्त है, येलो से अच्छा रहेगा, फोटोज़ वगैरह मस्त आने वाला है इधर। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. तो फ्रेंड्स फाइनली आ चुके हैं क्रेटा में, और क्या ही मस्त लग रही है गाड़ी अंदर से, देख सकते हैं। इधर मेरा हेलमेट मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि मैं थोड़ी देर में आगे उतर जाऊंगा क्योंकि मेरा बाइक उधर है, बाइक को भी रिसीव करना है। तो फ्रेंड्स अभी आए हैं द ग्रैंड में, और इधर हल्ले कर लड़कर हो तो द ग्रैंड में आए हैं, भैया लोग पहुँचे हुए, अंदर चलते हैं। अंदर तो काफ़ी हो गया गाड़ी वाड़ी लेते हुए। इधर है मेरा हेलमेट, तो चलिए चलते हैं अंदर कुछ खाते पीते हैं। टैटू किधर है आपका? टैटू इस साइड। रोहित भैया टैटू दिखाइए। रोहित भैया तो बहुत टैटू है। तो फाइनली फ्रेंड्स अच्छे से खाना पीना हो गया, पार्टी शार्टी सारा कंप्लीट हो चुका है। भैया तो मस्त पार्टी दी, एकदम खाना पीना एकदम तगड़ा वाला था खाना पीना। तो भैया लोग इधर रेस्ट कर रहे हैं खाना पीना खा करके। इधर चंदन भैया खाना पीना खा लिया बढ़िया से, उधर भैया और उधर हमारे भाई लोग। तो और खाने के ढेर की बात की जाए तो देख सकते हैं क्या हाल हम लोग करके रखे हुए हैं। तो मेरे को तो काफ़ी लेट हो रहा है आज, काफ़ी देर तक भैया लोग तो बैठ के एंजॉय कर लिए हैं, अब निकलेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है 11 और घर से काफ़ी फ़ोन आ रहा है। तो निकलता हूँ मैं, भैया लोग थोड़ा चिल करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है रोहित भैया चलते हैं, चंदन भैया चलते हैं।
तो फाइनली निकला जाए, अपना सेटअप तो मैंने सारा ले लिया है। ये वाली ठीक खुली है, चलते इसमें जाना है ग्राउंड फ्लोर पे। काफ़ी लेट हो चुका है आज, मतलब थोड़ा सा हैक्टिक डे रहा, लेकिन जो भी है अच्छा हुआ है। जो भी हुआ, कार भी मस्त लगी मेरे को, क्लैम्बर तो चला जाए। खुल जा सिम, खुल गई ये रही अपनी बाइक, और अच्छे से आज वॉश हो गई है, एकदम कम्प्लीटली वॉश हो गई है, तो काफ़ी चमक रही है। काफ़ी दिनों से राइड वाइड किया था, गंदी थी पूरी बाइक। तो फ्रेंड्स फाइनली निकला जाए यहाँ से, ज़्यादा नहीं टानूंगा, 80 की स्पीड ठीक है। रात का टाइम है, ज़्यादा खींचना भी सही नहीं है, और रात में जानवरों को कोई ठिकाना नहीं है कब आ जाए गाड़ी के सामने, कुछ ठीक नहीं है। बाकी सब बढ़िया है, नई नई कार आई है भैया के पास, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड कर देते यहीं पर, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।